दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों कुछ लोगों ने मेरे सवाल किया था कि सर जो दीवार हम बना लेते हैं, दीवार बनाने के बाद उसमें कितना दिन हमें क्यूरिंग करना चाहिए, यानी जो तराई है हमें दीवार पे कितनी दिन मारना चाहिए और किस मौसम में हमें कितना दिन करना चाहिए। तो ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि सर ये बताइए कि जो दीवार पर तराई करना है वो ज़रूरी है क्या, और जो ईंट है यानी जो हम दीवार बनाते हैं वो कितने दिन में अपना पूरा मजबूती हासिल कर लेगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ वीडियो में बताऊँगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब आप दीवार बनाते हैं और तो दीवार बनाने के बाद अगर हम सिर्फ दीवार बना के छोड़ दें तो दीवार को मजबूती नहीं मिलती है। दीवार पे हम प्रॉपर उसमें हमें पानी मारना होता है, उसकी तराई करनी पड़ती है, जिसको हम क्यूरिंग कहते हैं। तो जो हम दीवार पे तराई करनी है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में बना रहे हैं। वैसे तो मिनिमम देखा जाए तो कम से कम 7 दिन आपको तराई करनी ही है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में अपना घर बना रहे हैं। जैसे कि आप अगर ठंडी के टाइम में बनवा रहे हैं तो आप एक सुबह में एक शाम में अगर पानी मार देंगे तो भी सही है। अगर बरसात में बना रहे हैं और ओपन एरिया मतलब छत पर आप बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि बहुत टाइम बारिश भी होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा पानी मारने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बार आपको पानी उसमें भी मार देनी होती है ताकि प्रॉपर हमारा दीवार है वो भींगा रहे, उसमें मॉइस्चर बना रहे। अब उससे क्या होता है, देखिए दोस्तों पानी मारने से क्या होता है कि जब हमारा एक तो ईंट सूखी हुई रहती है और ऊपर से हम जब मसाला लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर हम सूखी ईंट लगाते हैं तो तुरंत वो क्या करता है कि मसाले का जो पानी होता है उसको सोख लेता है, तो फिर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पकड़ नहीं बनाता है ईंट के साथ। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि एक तो आपको चुनाई करने से पहले जो ईंट है, ईंट हमें कम से कम 1 या 2 दिन पहले से भिंगा के रखना चाहिए, और चुनाई से पहले यानी दीवार जोड़ने से पहले भी हमें ईंट भिंगा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जब आप वो मॉइस्चर बना रहेगा ईंट में, वो ईंट यानी तर रहेगा, तो जब हम उसमें मसाला लगाते हैं तो वो उसके पानी को नहीं सूखता है। तो इससे हमारा क्या है कि मसाला बहुत देर तक उसमें मॉइस्चर बना रहता है, नमी बना रहता है, तो वो धीरे धीरे मजबूती देता रहता है दीवार को। और अगर हम सूखी ईंट लगा देते हैं तो क्या करता है, तुरंत वो मसाले के पानी को सोख लेता है, सीमेंट के पानी को सोख लेता है। तो उसी कंडीशन में क्या होता है कि एक तो अच्छा पकड़ नहीं बनाता है, और बाद में जब आप उस दीवार को देखते हैं तो क्या होता है कि वहाँ वो मसाला एकदम भुरभुरा करके नीचे गिरते जाता है। तो इसीलिए हमें जो ईंट है ईंट भिंगा के लगानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो उसमें तराई करनी है दीवार बनाने के बाद, वो तराई कम से कम आपको 7 से 10 दिन तक करनी है। तो मैं आपको बताया कि ठंडी में 2 बार कर लें, बरसात में 1 बार कर लें, और गर्मी के दिन में कम से कम आपको 3 से 4 बार तराई करनी होती है ताकि वो सीमेंट में नमी बना रहे, मसाले में नमी बना रहे। देखिए सीमेंट क्या होता है, गर्म चीज़ होता है, तो जो जब आप ईंट में मसाला लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, तो क्या करता है कि वहाँ से भी गर्मी निकलती है और ऊपर से एक ईंट आपका पानी उसमें का सीमेंट का सलरी सोखता ही है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे पानी की। तो इसलिए शुरू के 7 दिन तो आपको देना ही है, और गर्मी का टाइम है तो दिन भर में आप 3 बार पानी उस पर ज़रूर मारें, और कोशिश करें कि 3 या 4 बार पानी दिया जाए, तब जाके आपका दीवार प्रॉपर मजबूत होगा और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ को 10 दिन 12 दिन में अच्छे से मजबूत हो जाएगा, तो फिर आपकी दीवार कभी नहीं टूटेगी। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 3-4 दिन मार देते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वैसे उस कंडीशन में जो मसाला है अच्छे से पकड़ नहीं बनाता है, मसाला वहाँ से गिरने झड़ने लगता है, तो भी वहाँ दीवार कमज़ोर हो जाती है। अब जब आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर से पहले भी आपको प्रॉपर दीवार को कम से कम इतना तर कर लेना चाहिए कि जब आप उस पर हाथ रखें तो आपके हाथ में पानी आ जाए। तो उससे क्या होता है कि जब आप उस पर प्लास्टर का मसाला मारेंगे तो वो क्या करता है, बहुत मजबूती से उसमें बॉन्डिंग बनाता है, प्लास्टर अच्छे से होता है, और जो है मसाला ईंट जो है आपके प्लास्टर के मसाले का जो पानी है वो सोखता नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे वो प्लास्टर बहुत मजबूत होता है। और प्लास्टर करने के बाद भी आपको कम से कम गर्मी के टाइम में 3 बार पानी मारना है, ठंडी में 2 बार मारना है, बरसात में भी अगर आप अंदर प्लास्टर कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार पानी मारें, और आपको ये प्लास्टर में भी 7 से 10 दिन तक पानी मारनी है, तब जाके आपकी प्लास्टर काफ़ी मजबूत होती है। अगर आप उसमें भी यही कोताही करेंगे कि 2 से 3 दिन मार के छोड़ देंगे तो प्लास्टर में आप देखते हैं क्रैक आने लगता है, प्लास्टर फट जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर उस पर पानी मारा जाए, पानी इतना मारा जाए कि वो आपके हाथ में नमी आ जाए, यानी पानी आपके हाथ में आ जाए जब आप दीवार को छूएं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है दोस्तों। अब वैसे ही सेम कंडीशन अप्लाई होता है अगर आप दीवार बना रहे हैं तो क्यूरिंग का,
प्लास्टर कर रहे हैं तो क्यूरिंग का, फिर अगर आप कोई आरसीसी स्ट्रक्चर जैसे छत डाल रहे हैं, बीम डाल रहे हैं, कॉलम डाल रहे हैं, तो भी आपको प्रॉपर उसमें क्यूरिंग का ध्यान रखना है। जो आप पिलर का या बीम का जो आप अगर तराई करते हैं तो उसको आप क्या करें कि वहाँ जूट की बोरी है उसको लपेट दे अच्छे से, और उसमें भी हफ्ता से 10 दिन तक प्रॉपर आपको तराई करनी है। जब आप छत की ढलाई कर लेते हैं तो छत को आपको कम से कम वहाँ पर 12 से 14 दिन पानी लगा के उसको भी तराई करनी है। तो इस तरीके से आपका घर है काफ़ी मजबूत बनेगा और आगे चल के उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी।